बता दें, नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है उपराष्ट्रपति से। नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। ये मुलाकात हुई, दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई और तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। पहले सच बेधड़क पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, कई राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई। नायब सिंह सैनी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले, बड़ा अनुभव रखते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राजनीतिक बड़ी शख्सियत हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। राजीव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ चर्चा है इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो सुबह से ही नायब सिंह सैनी दिल्ली में हैं और मुलाकातों का दौर जारी है, क्योंकि हरियाणा में जो जीत मिली है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उत्साहित ही है। साथ ही नायब सिंह सैनी क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री है और एक बात साफ हो गई है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। हालांकि चर्चाएं बहुत थी, अगर अनिल विज की बात मानी जाए या दूसरे नेताओं की बात मानी जाए, लेकिन पार्टी के जो शीर्ष नेता है जिस तरह से लगातार उनको बधाई दे रहे थे कल ही से, उसके बाद साफ हो गया और जो मुलाकातें हो रही है इनको एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिये सुबह नायब सिंह सैनी ने जो गृह मंत्री अमित शाह है उनसे मुलाकात उनकी हुई है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और अभी जो थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात हुई है। तो इन मुलाकातों को शिष्टाचार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नायब सिंह सैनी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को एक जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आत्मविश्वास कहा जा सकता है नायब सिंह सैनी का देखने को मिल रहा है। और उसी क्रम में मुलाकात का दौर जारी है, क्योंकि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है तो उनके घर पे भी बड़ी बैठक हुई थी हरियाणा के नेताओं के साथ, वहाँ पे जो मौजूद रहे कई निर्दल विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है। तो अब एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां चल रही है, किसको मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, इन तमाम चीजों का तो मंथन चल ही रहा है। लेकिन यह जो उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है इस पर शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कार है, शिष्टाचार है, जब भी कोई खुशी की बात होती है या कोई बड़ी जीत मिलती है तो ये लोग अपने बड़े नेताओं से आशीर्वाद जरूर लेते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो चाहे जहां भी हो, तो उसी क्रम में इसको देखा जा रहा है शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तस्वीर और बगल में गृह मंत्री अमित शाह, दोनों से मुलाकात की नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसकी अटकलें भी लगाई जा रही है।